हे गाइस, वेलकम टू आइडल्स। दिस इज जुगल कुमार भारती। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू कोरियोग्राफी डांस ट्यूटोरियल ऑन काला चश्मा, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। एंड शॉर्ट कोरियोग्राफी होगा ये, और अभी वो वीडियो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो टैप करके आप देख सकते हो वीडियो। सो वही डांस कोरियोग्राफी ट्यूटोरियल आज हम सीखने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्यूटोरियल को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, देन फर्स्ट हाफ देन सेकेंड हाफ। पहले हम फर्स्ट हाफ सीखेंगे, फिर उनके एट्स काउंट को समझेंगे, फिर हम सेकेंड हाफ पे जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस, कम ऑन। ओके, तो ये आपका जीरो पोजिशन, स्टैंडिंग पोजिशन। तो स्टार्टिंग में एक डीजे का बीट है, चिक चिक चिक, तो वहाँ पे मैंने स्टेप डाला है थोड़ा स्टार्टअप लेने के लिए। ओके, तो क्या है समझते हैं। राइट लेग को आपको ट्विस्ट करना है, कैसे, वन, ओके, फाइव सिक्स सेवन गो, वन, देन फिर लेफ्ट लेग टू। तो जब आपका लेफ्ट लेग ट्विस्ट होगा तब आपका राइट लेग प्लेस हो जाएगा। ओके, फाइव सिक्स सेवन गो, वन एंड, ओके, सो फाइव सिक्स सेवन गो, वन एंड टू। देन उसके बाद आपका जो आपका पैल्विक है वो अप होगा, थ्री, ओके, तो ऐसे दिखेगा थ्री। फिर उसके बाद आपका चेस्ट अप होगा, फोर, ओके, सो फाइव सिक्स सेवन गो, वन एंड टू एंड, गुड, सो फाइव सिक्स सेवन गो, वन एंड टू एंड, इजी। सो चेस के साथ ऐसे आएगा वेव, तो चेस के बाद आपका शोल्डर अप होगा। ओके, सो फाइव सिक्स सेवन गो, वन एंड टू एंड, समझे, आया समझ। ओके, सो फाइव सिक्स सेवन गो, वन एंड टू एंड, इजी। तो यहां पे बीट है चिक चिक चिक, सो फाइव सिक्स सेवन गो, चिक 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 चिक, इजी, समझे। आते अगले मूव पे, अगला मूव आपका क्या है, आपका मूवमेंट यहाँ से ही रिलेटेड है, तो ये लास्ट है, फिर उसके बाद आपको ध्यान से देखना है, आपको लेफ्ट लेग को प्लेस करना है। ओके, कैसे, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो फाइव सिक्स सेवन गो, समझे, फिर गो प्लेस करने के बाद आपको ट्विस्ट करना है, तो ये राइट लेग ट्विस्ट होगा, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, कैसे, फाइव सिक्स सेवन गो, फाइव सिक्स सेवन गो, वन, सॉरी माय बैड, फाइव सिक्स सेवन गो, वन, तो ये वन काउंट है। ओके, सो फाइव सिक्स सेवन गो, वन, समझे, फिर वैसे ही राइट साइड, टू, देन थ्री, फोर, समझ में आया, फिर से समझ लेते हैं। फाइव सिक्स सेवन गो आपका ये एंडिंग हुआ, फिर आपको एक स्टार्टअप लेना है, तो स्टार्टअप आपका लेफ्ट लेग प्लेस होगा, फिर आपका राइट लेग ट्विस्ट होगा, काउंट वन, वन, देन फिर टू काउंट पे आपका लेफ्ट लेग ट्विस्ट होगा, टू, देन थ्री काउंट पे आपका राइट लेग ट्विस्ट होगा, थ्री एंड फोर, तो थ्री एंड फोर आपका लेफ्ट साइड है, समझ में आया। ओके, सो फाइव सिक्स, फाइव सिक्स सेवन गो, वन टू थ्री एंड फोर, ये है एक्चुअल। ओके, सो हैंड्स मूवमेंट समझ लेते हैं, सो फाइव सिक्स सेवन गो आपका क्रॉस ओपन क्रॉस देन क्रॉस। ओके, सो हैंड्स को आपको लेफ्ट साइड में क्रॉस करना है, देन राइट साइड ओपन, देन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे कि डबल में आप वन टू थ्री फोर ऐसे कर सकते हो, या फिर वन टू थ्री एंड फोर, समझे, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो मूव करते हैं, फाइव सिक्स सेवन गो, वन टू थ्री एंड फोर, समझे। एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पे बाउंस भी आ रहा है, तो नेचुरल जो आ रहा है उसको आने दो, आया समझ, करते हैं। सो फाइव सिक्स सेवन गो, वन टू थ्री एंड फोर, इजी, समझे, आगे बढ़े। ओके,
सो फोर पे आए आप, फिर उसके बाद है ध्यान से देखना, इसके बाद आपको बाउंस करना है। कैसे? बाउंस 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 बाउंस। ओके सो 5 6 7 गो 1 2 3 एंड 4। सो 3 एंड 4 सेम पैटर्न रहेगा हमारा 3 एंड 4 का। तो 5 6 7 गो 1 2 3 एंड 4। तो आपका लेग्स मूवमेंट क्या रहेगा अभी मैं आपको वो समझाता हूँ, आप बाउंस समझे। ओके तो लेग्स मूवमेंट हमारा क्या रहेगा, लास्ट पोजिशन आपका ये आया, आपको लेफ्ट लेग को हल्का वो सॉरी राइट लेग को हल्का सा पीछे शिफ्ट करना है। कैसे? 1। ओके तभी आपका बाउंस होगा। कैसे? 1। तो प्लेस होके वापस आ गया बाउंस के साथ। ओके सो 5 6 7 गो 1, फिर सेम लेफ्ट साइड 2, प्लेस देन बैक। आ रहा है समझिए? ओके 5 6 7 गो 2, देन सेम 3 एंड 4। ओके तो ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। कैसे? 5 6 7 गो 1 2 3 एंड 4। आ रहा है समझ? गुड। सो 5 6 7 गो 1 2 3 एंड 4। इजी। सो हैंड्स मूवमेंट आप यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 रख सकते हो, जो 1 2 3 एंड 4 इसका यूज करके हम स्टेप को ब्रॉड दिखा सकते हो, क्योंकि ये आपका खुद से आप देख सकते हो कि आप जा रहे हो नीचे, तो आप हैंड्स मूवमेंट अप करोगे तो स्टेप आपको बड़ा दिखेगा, समझे। सो 5 6 7 गो 1 3 एंड 4। ओके सो 5 6 7 गो 1 2 3 एंड 4। इतना समझे? आया समझ? आगे बढ़े। ओके सो फिर आपको करना है स्केट देन स्लाइड 5 6 7 गो। ओके आपको राइट साइड करना है। सो 5 6 7 गो, समझे। फिर इसके बाद आपको रोटेशन, ये जस्ट यहाँ पे वर्डिंग है तो आप अपना स्टाइल भी कर सकते हो, मैंने कोरियोग्राफी में थोड़ा अलग किया है खुद का फ्रीकआउट, जो वहाँ पे स्टेप्स नहीं है। ओके थोड़ा म्यूजिक के साथ और आप फ्रीकआउट कर सकते हो लिरिक्स के ऊपर। ओके सो 5 6 7 गो, देन आप रोटेशन कर सकते हो। ओके फिर वहाँ पे एक बीट बजता है, ध्यान से आप म्यूजिक वीडियो देखोगे, जब वीडियो देखोगे कोरियोग्राफी वीडियो उसमें आपको दिखेगा टा टा। ओके सो वो बीट है वहाँ पे, ठीक है। सो 5 6 7 गो टा टा, फिर आपको 2 काउंट्स पीछे जाना है। कैसे? 4 काउंट्स। सो 5 6 7 गो 1 2 3 4। तो पीछे आप कहाँ से जाओगे? लेफ्ट लेग पहले रखोगे। सो कैसे? 5 6 7 गो 1 2 3 4। बॉडी मूवमेंट क्या रहेगा आपका, देन राइट साइड देन लेफ्ट साइड देन राइट साइड देन लेफ्ट साइड। ओके सो 5 6 7 गो 1 2 3 4, समझे। हैंड्स मूवमेंट आप पीछे जा रहे हो। ओके सो 5 6 7 गो, गो से आते हैं गो स्केट देन 1 2 टा टा। ओके लुक करके 1 2 3 4, समझे। आया समझ? फिर इसके बाद हमें आगे बढ़े। इतना समझ में आया? थके तो नहीं हो या फिर समझ में नहीं आया? ओके अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हो। ओके सो 5 6 5 6 7 गो 1 2 3 4, लास्ट पोजिशन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप लेग्स मूवमेंट ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको। राइट लेग प्लेस, ओके देन लेफ्ट लेग देन राइट लेग प्लेस देन लेफ्ट लेग। ओके सो कैसे करना है? 5 6 7 गो 1 एंड 2 एंड। पहले आपका राइट लेग प्लेस हो रहा है, फिर लेफ्ट लेग देन राइट लेग देन लेफ्ट लेग, 2 काउंट्स। सो 5 6 7 गो 1 एंड 2 एंड। ओके सो आपका हैंड्स मूवमेंट क्या रहेगा, हैंड्स मूवमेंट
वन एंड टू एंड, राइट लेग का सॉरी राइट हैंड आपका अप डाउन अप डाउन, देन तभी आपका अपोजिट हैंड लेफ्ट हैंड आपका अपोजिट चलेगा. ओके सो 5 6 7 गो, वन एंड टू एंड. ओके तभी आपका जो बॉडी पॉस्चर रहेगा वो आपका बैंग 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 बैंग. ओके सो आपका पीछे होगा जैसे आपका बॉडी पॉस्चर झूल रहा है, 1 2 3 4. ओके सो 5 6 7 गो, 1 2 समझे, वन मोर टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 गो, 1 and 2. ओके आया समझ, ठीक है वन मोर टाइम, 5 6 7 गो, 5 6 7 गो, 1 and 2 इजी. आगे बढ़ते हैं. ओके सो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा लेग्स मूवमेंट. ओके सो 5 6 7 गो, देन लेफ्ट देन राइट प्लेस देन गो बैक टू पोजिशन. ओके करना क्या है, लेफ्ट लेग राइट लेग देन बैक. ओके सो 5 6 7 गो, 1 and 2 इजी समझ में आया. सो 5 6 7 गो, 1 and 2. ओके आपका हैंड्स मूवमेंट क्या होगा, 1 and 2. ध्यान देना है जैसे आपका लेग्स मूवमेंट कर रहा है वैसे ही आपका हैंड्स मूवमेंट भी करेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपका लेट आ रहा है तो वो अलग दिखेगा. ओके सो ये दोनों चीज एक साथ आनी चाहिए, 1 and 5 6 7 गो, 1 and then 2 पे क्लोज इजी. सो 5 6 7 गो, 1 and 2. ओके वन मोर टाइम, 5 6 7 गो, 1 and 2. स्लो करके मैंने आपको बताया है तो ध्यान से देखिएगा. और ये आपका हैंड्स मूवमेंट अप अप से आएगा, डाउन देन ओपन क्लोज इजी. सो 5 6 7 गो, 1 and 2. आ रहा है समझ, इजी था. वन मोर टाइम, 5 6 7 गो, 1 and 2 इजी. आगे बढ़े. ओके फिर आपको जंप करना है, जंप कैसे, राइट देन लेफ्ट. ओके कैसे, राइट लेफ्ट इजी है. सो 5 6 7 गो, राइट लेफ्ट समझे. आपका हैंड्स मूवमेंट क्या रहेगा, देन बैक. ओके सो क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को ऐसे रखो. ओके फिर इसको आप पीछे पुश करो तो क्या रहेगा, आपका लेफ्ट हैंड से आपका राइट हैंड को आप पुश कर रहे. ओके सो 5 6 7 गो, देन आपका वही कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड को पुश करेगा. ओके सो क्या रहेगा, 1 2 इजी था. ओके सो 5 6 7 गो, 1 2. ओके जंप के साथ ट्राई करते हैं, 5 6 7 गो, 1 2 समझे, ग्रेट नाइस. तो 5 6 यहां से करते एक बार, 5 6 7 गो, 1 and 2 3 and 4 5 and 6 तो इसके ये काउंट है, 1 and 2 3 and 4 5 and 6 समझे. ओके सो यहां से आगे बढ़े, ठीक है. सो 5 6 7 गो, देखना है लेग्स मूवमेंट, देखो थोड़ा थोड़ा सा स्पीड अप. तो क्या करना है आपको, एंड तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि मूवमेंट आपका फास्ट है. तो यहाँ पे एंड 1 तो काउंट आपका डाउन पे रहेगा, 1. सो 5 6 7 गो, ऐसे रहेगा. सो 5 6 7 गो, 1 हुआ, फिर आपको लेग्स ओपन करने हैं, 2 and 3 क्या रहेगा, 5 6 7 गो, 1 and 2. ओके सो एंड में आपका ओपन होगा, देन 2 पे क्लोज. तो इसका जो म्यूजिक का जो काउंट रहेगा, जो आपका एक्चुअल रिदम रहेगा, वो क्या रहेगा, 7 and 8
ओके एंड 7 and 8 इजी. सो एक बार देखते हैं, एंड 7 क्लोज देन एंड ओपन देन 8 क्लोज इजी. सो 5 6 7 गो 7 and 8 ओके. हैंड्स मूवमेंट आपके नॉर्मल रहेंगे 7 and 8 समझे. सो 5 6 7 गो 7 and 8 इजी. 5 6 5 6 7 गो 7 and 8 ओके. ग्रूव 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 ग्रूव. मेक श्योर बॉडी का ग्रूव नहीं जाना चाहिए आप लोगों का. ओके सो 5 6 7 गो 7 and 8 इजी. आगे बढ़े. ओके तो गाइज अगले मूव की ओर बढ़ते हैं जो कि म्यूजिक है हमारा टंगड़ंगड़ंग टंगड़ंगड़ंग. ओके तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको मूवमेंट इजी है. देन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन आपका लेग्स मूवमेंट ये रहेगा. 5 6 7 गो क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज. ओके फिर आपको लेग्स मूवमेंट क्या करना है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है लेफ्ट साइड. सो क्या है, लेफ्ट राइट ओके. सो ये मूवमेंट छोटा छोटा रहेगा, लेफ्ट राइट ओके. सो 5 6 7 गो 1 and 2 एंड समझे. वैसे ही सेम आपका राइट साइड 5 6 7 गो 3 and 4 एंड. और जब आप राइट साइड जाओगे तो आपका राइट लेग का जो फर्स्ट काउंट है वो राइट साइड से होगा. ओके कैसे, देन राइट लेफ्ट ओके. वन मोर टाइम 5 6 7 गो 1 and 2 एंड 3 and 4 एंड. ओके सो क्या रहेगा, टंगड़ंगड़ंगड़ंग टंगड़ंगड़ंगड़ंग. ओके हैंड मूवमेंट आप ये कर सकते हो, देन ये ट्राई कर सकते हो, और आप अपने स्टाइल से ट्राई कर सकते हो. ओके मैंने सिंपल रखे हैं, नॉर्मल रखे हैं, आप अपने स्टाइल से कर सकते हो. ओके सो ये था हमारा फर्स्ट हाफ जो कि हम एक्चुअल टेम्पो पे करेंगे. पहले हम नॉर्मल टेम्पो पे करेंगे फ्रॉम द टॉप. ओके फ्रॉम एक्चुअल टेम्पो पे करेंगे समझे. करते हैं ट्राई स्टार्टिंग से. सो स्लो टेम्पो 5 6 7 गो चिक चिक हा हा. देन यहाँ पे 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 गो स्लाइड देन फ्रीक आउट गो बैक देन टंग टंग. ओके फिर 5 6 7 गो 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 ओके फिर टंग 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 टंग. इजी था ओके आया समझ. एक्चुअल काउंट वो एक्चुअल रिदम पे करते हैं. ओके सो 5 6 ये एक्चुअल काउंट है आपका जो कि म्यूजिक का काउंट है. ओके सो 5 6 7 गो चिक चिक हा हा 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 गो 1 and 2 3 and 4 5 6 7 and 8 टंगड़ंगड़ंग टंगड़ंगड़ंग. इजी आया समझ. ओके सो आप लोग म्यूजिक पे ट्राई कर सकते हो. ये हमारा फर्स्ट हाफ था, आप म्यूजिक को चला के म्यूजिक पे आप ट्राई कर सकते हो. ओके सो अब हम बढ़ेंगे सेकेंड हाफ की तरफ. तो गाइज हम लोगों ने अभी फर्स्ट हाफ सीखा, देन अब हम बढ़ेंगे सेकेंड हाफ की तरफ. ओके समझे ठीक है. तो हम सीखेंगे सेकेंड हाफ. सेकेंड हाफ आपको ध्यान रखना है, सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से कनेक्टेड है. ओके वो अलग अलग नहीं है समझे. तो आपका लास्ट पोजिशन क्या था, 1 and 2 3 and 4 इजी. तो आपका ये लास्ट पोजिशन था, तो यहीं से आपका सेकेंड हाफ का फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होगा. कैसे, अभी आप हिंड्स मूवमेंट को अवॉइड करो, ध्यान नहीं देना है, अभी आप लेग्स मूवमेंट पे ध्यान दो. ओके तो क्या करना है आपको, पहले आपको लेफ्ट लेग लिफ्ट करना है ऐसे. सो 5 6 7 1 5 6 7 गो 1 ओके. तो जब आपका लेफ्ट लेग लिफ्ट होगा तभी आपका राइट लेग ट्विस्ट होगा. कैसे, 1
ओके, ये आपका ये चलेगा, समझे? सो सेम आपको टाइमिंग मैच करना पड़ेगा लिफ्ट देन ट्विस्ट का. सो 5 6 7 1 5 6 7 गो 1, समझे? वैसे ही आपका राइट साइड रहेगा, कैसे? 2, ओके 2. तो ट्विस्ट ध्यान रखना है आपको, आउटसाइड नहीं करना है, इनसाइड ट्विस्ट करना है. ओके, आउटसाइड नहीं करना है, इनसाइड में. सो 5 6 7 गो 1 देन 2 देन 3 एंड 4. ओके, हमारा जो पैटर्न रहेगा सेम है, 1 2 3 एंड 4, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट. सो 5 6 7 गो 1 2 3 एंड 4, समझे? आया समझ? स्लो 5 6 7 गो, लिफ्ट देन ट्विस्ट, लिफ्ट देन ट्विस्ट, लिफ्ट देन ट्विस्ट, लिफ्ट देन ट्विस्ट, समझे? सो 5 6 7 गो 1 2 3 एंड 4. आपको ये लेग ऐसे लिफ्ट नहीं करना है, ऐसे अप. ओके, सो 45 में लिफ्ट करना है, डायरेक्शन भी ध्यान दो, समझे? हैंड्स मूवमेंट समझते हैं. तो हैंड्स मूवमेंट आपके क्या होने वाले हैं, जैसे आपका डोर का की होता है ना, ओपन करते हैं, मतलब लॉक खोलते हैं ना, वैसे ही है. 1 2 3 4, तो क्या रहेगा आपका हैंड्स मूवमेंट? 1 2 3 and 4, इजी. सो 5 6 7 गो 1 2 3 and 4, समझे? 5 6 7 गो 1 2 3 and 4, आया समझ? ओके, मूवमेंट एक साथ करते हैं, 5 6 7 गो, आपका लास्ट पोजिशन आया, 5 6 7 गो 1 2 3 and 4, इजी. सो 5 6 7 गो 1 2 3 and 4, ओके समझे? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ से ध्यान दो, आपको लेग्स मूवमेंट ध्यान देना है. तो लेग्स मूवमेंट में आपको क्या करना है, सिंपल ट्विस्ट करना है. तो ये आपका ट्विस्ट कैसे रहेगा, सर्कल, आपको नी से सर्कल बनाना है इसे. तो क्या रहेगा, 1 हाफ सर्कल, 1 देन लेफ्ट लेग, 2 देन राइट लेग, 3 देन राइट लेग, 4 पैटर्न, राइट लेफ्ट राइट राइट. ओके, ध्यान दो, हमें पैटर्न पे भी ध्यान देना है. ओके, सो आपका राइट लेफ्ट राइट राइट. सो 5 6 7 गो 1 2 3 and 4. तो ये मूवमेंट करते आपको पीछे भी जाना है थोड़ा थोड़ा, कैसे? 5 6 7 गो 1 2 3 and 4. तो आप ध्यान देख रहे हो तो एक सर्कल बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो आप एक सर्कल बन रहा है, तो वही आपको यूज करना है. ओके, सो 5 6 7 गो 1 2 3 and 4, समझ में आया? ओके, हैंड्स मूवमेंट आप 1, तो आपको हैंड्स मूवमेंट ऐसे रखने हैं, लेफ्ट से स्टार्ट देन राइट पे खत्म, तो एक सर्कल बन रहा है. ओके, हैंड्स मूवमेंट में, सो 5 6 7 गो 1 देन वैसे ही रिवर्स, 2 देन 3 and 4. सो 3 and 4 में आपका हाफ सर्कल बन रहा है. सो 5 6 7 गो 1 2 3 and 4, ध्यान दोगे तो आपका लेग्स मूवमेंट और हैंड्स मूवमेंट एक दूसरे से कनेक्ट है, समझे? सो 5 6 7 गो 1 2 3 and 4, इजी, आया समझ? बॉडी में आपका ग्रूविश होना बहुत जरूरी है, मतलब बॉडी आपका ग्रूविश होना बहुत जरूरी है, ग्रूव रहना जरूरी है. ओके, ग्रूव को नहीं छोड़ना आपको, समझे? सो 5 6 7 गो 1 2 3 and 4, इजी, आया समझ? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मूव की तरफ, एंड आया, फिर यहां से ध्यान से देखना है लेग्स मूवमेंट. ओके, तो लेग्स को लेफ्ट लेग को प्लेस करना है राइट साइड के आगे से, 1. ओके, सो 5 6 7 गो 1 and 2, ध्यान से 5 6 7 गो 1 and 2, वन मोर टाइम, 5 6 7 गो 1
आपने लेफ्ट लेग को प्लेस किया, देन आपको राइट लेग थोड़ा सा पीछे प्लेस करना है, टू, ओके, इसके साइड में प्लेस नहीं करना, पीछे, देन थ्री, ओके, तो क्या रहेगा आपका, वन एंड टू, काउंट, सो फाइव सिक्स सेवन, गो, वन एंड टू, तो ये आपका गो खत्म हो जाएगा, ये चलेगा, सो फाइव सिक्स सेवन, गो, वन एंड टू, समझे, स्लो, फाइव सिक्स सेवन, गो, वन एंड टू, इजी, सो आपके हैंड्स मूवमेंट क्या रहेंगे, वन एंड टू, सो वन एंड टू, फाइव सिक्स सेवन, गो, वन एंड टू, समझे, बॉडी भी आपका जाना चाहिए, वन एंड टू, इजी, सो फाइव सिक्स सेवन, गो, वन एंड टू, समझे, वन मोर टाइम, फाइव सिक्स सेवन, गो, वन एंड टू, ओके, फिर आपको हैंड्स मूवमेंट ये प्लेस करके, देन वेव वेव, ओके, आया समझ, स्लो, फाइव सिक्स सेवन, गो, वन एंड टू, एंड ओके, थ्री एंड फोर, तो ये आपका जो नेक्स्ट मूव है, मूवमेंट है, वो आपका अप से डाउनवर्ड वेव चल रहा है, तो वो बहुत प्यारा लगना चाहिए, सॉफ्ट, ये नहीं आप टाइट करोगे, सॉफ्ट, वन टू, ओके, समझे, फाइव सिक्स सेवन, गो, वन टू, इजी था, तो यहां से एक बार और देख लेते हैं, कहां से, यहां से, सो फाइव सिक्स सेवन, गो, वन टू, सॉरी, फाइव सिक्स सेवन, गो, वन टू, थ्री एंड फोर, फाइव सिक्स सेवन एंड एट एंड वन एंड टू, थ्री एंड फोर, ओके, तो यहां से आपका वेव हुआ, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे यहां से, ठीक है, तो यहां से फिर आपका है काला चश्मा, टक, काला चश्मा, टक, तो वो हुक स्टेप जो काला चश्मा म्यूजिक का है वो सेम ही रखना है, तो क्या करना है, वन टू थ्री फोर, सेम मूवमेंट रहेगा हमारा, तो क्या करना है यहाँ पे, आपको नीज को अंदर की साइड करना है, उस पर ध्यान देना है, कैसे, वन टू थ्री फोर, फोर काउंट्स करना है, ध्यान रखना आपका लेवल्स चेंज हो रहा है, अप से डाउन, सो फाइव सिक्स सेवन, गो, वन टू थ्री फोर, देन फाइव सिक्स सेवन एट, ओके, सो फाइव सिक्स सेवन, गो, वन टू थ्री फोर, फाइव सिक्स सेवन एट, हैंड्स मूवमेंट आपका क्या रहेगा, वन टू थ्री फोर, फाइव सिक्स सेवन एट, समझे, सो फाइव सिक्स सेवन, गो, वन टू थ्री फोर, फाइव सिक्स सेवन एट, ओके, फिर इसके बाद है आपका आगे बढ़े, ठीक है, सो फाइव सिक्स सेवन, गो, चश्मा, देन चश्मा, तो एक इल्यूजन क्रिएट करना है कि आपके पास चश्मा है, ओके, टाक टाक, फिर जचदा चिक चिक चिक, ओके, सो ये यहाँ पे डीजे का है, आप ये भी रख सकते हो, देन ये कर सकते हो, ओके, जो कि मैंने कोरियोग्राफी में ऐसे किया है, आप ये रख सकते हो, चिक चिक चिक, चिक चिक चिक, ओके, सो चिक 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 के बाद जचदा है गोरे मुखड़े पे, तो ये मूवमेंट जो आपका है ना, ध्यान से देखना आपको, ठीक है, लेग्स मूवमेंट समझते हैं, ध्यान से देखो आपको, वॉल ऑफ द फुट एंड हील वो यूज होगा, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट काउंट पे आपका राइट लेग का हील ऊपर उठेगा, ओके, सो ये रहेगा, समझे, तो फाइव सिक्स सेवन, गो, वन टू थ्री एंड फोर, सो क्या हो रहा है आपका, राइट, जब हम राइट से लेफ्ट कर रहे हैं, ओके, तो आपका राइट लेग का नी अप हो रहा है, देन लेफ्ट लेग का वॉल ऑफ द फुट, फिर आपको शिफ्ट कर रहे हैं, ओके, तो वैसे जब आप राइट साइड करोगे तो आपका अपोजिट हो जाएगा, तो लेफ्ट लेग का हील अप हो जाएगा, देन राइट लेग का वॉल ऑफ द फुट अप हो जाएगा, ओके, तो ये हो जाएगा, समझे, ओके, तो काउंट क्या रहेगा, वन टू थ्री एंड फोर, पैटर्न, वन टू थ्री एंड फोर, करते हैं, फाइव सिक्स सेवन, गो, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट,
समझे? सो 5 6 7 गो, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ओके। सो मूवमेंट क्या रहेगा आपका? जचदा है गोरे मुखड़े पे, ओके। सो 5 6 7 गो, जचदा है गोरे मुखड़े पे, ओके। तो करते हैं 5 6 7 गो, काला चश्मा चिक चिक चिक, जचदा है गोरे मुखड़े पे। समझ में आया? आगे बढ़े, एक बार और कर लेते हैं 5 6 7 गो, काला चश्मा चिक चिक चिक, जचदा है गोरे मुखड़े पे, ओके। फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, रॉक 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 रॉक, तो आप फ्रंट रॉक कर रहे हो, तो कैसे? 1 2 3 4, ध्यान दो, लेफ्ट राइट फ्रंट फ्रंट, तो ये हमारा पैटर्न है 5 6 7 गो, लेफ्ट राइट फ्रंट फ्रंट, ओके। सो 5 6 7 गो, लेफ्ट राइट फ्रंट फ्रंट, समझे? इतना समझे? आपका हैंड्स मूवमेंट क्या रहेगा? 1 2, तो देन राइट हैंड से, लेफ्ट साइड करेंगे तो हम राइट हैंड से करेंगे, कभी आप ये करने लगे नहीं, ऐसा नहीं करना, ओके। सो राइट हैंड से 5 6 7 गो, 1 2, ओके। सो लेफ्ट साइड जब हम करेंगे राइट हैंड से करेंगे, और राइट साइड जब हम करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड से करेंगे, ऑल्टरनेटिव होगा। सो 5 6 7 गो, 1 2, समझे? 5 6 7 गो, 1 2, और ग्रूव छोड़ना नहीं आपको, रॉक, ठीक है। फिर आपको 3 एंड 4, जैसे कि मैंने बताया, फ्रंट साइड करना है 5 6 7 गो, 1 2, तो 2 करने के बाद देन 3 एंड 4, तो आपका 3 एंड 4 में आपका ट्विस्ट देन ट्विस्ट, ओके। लेग मूवमेंट भी होगा 3 एंड 4 में, 3 एंड 4, ओके। तो क्या होगा? 1 2 3 एंड 4, ओके। सो जब आपका 3 पे आएगा तो 3 पे क्रॉस, देन 4 पे ओपन करके क्लोज लाना है, तो क्या करना है? 1 2 क्लोज ओपन, ओके। 5 6 7 गो, 1 2 क्लोज ओपन, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, समझे? 1 2 3 एंड 4, ओके। सो 3 एंड 4 में आपका लेग्स मूवमेंट भी चलेगा, ध्यान रखना 3 एंड 4 पे। तो करते हैं 5 6 7 गो, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, इजी, स्लो डाउन, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, ओके। फिर आपको गोरे मुखड़े पे सेम गो, ये आया, फिर आपको गोरे मुखड़े पे, तो ये चलेगा 1 2 3 एंड 4, ओके। सो 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, इजी, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 and 8, ओके। आया समझ? फिर इसके बाद हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपको 1 2, ध्यान दो, वेव वेव, 3 एंड 4, अप से डाउन, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, ओके। और जब हम 1 करेंगे तो आपका लिफ्ट होगा लेग, ओके। सो 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, समझे? 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, इजी, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4, ओके। फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको टंगड़ंगड़ंग बीट है, तो वो आपको कैसे भी आप पकड़ सकते हो, लेकिन मैं कोरियोग्राफी के थ्रू आपको बताऊंगा कैसे मैंने पकड़ा है। तो वो क्या करना है आपको, राइट लेग से स्लाइड, देन राइट साइड से, ओके। फिर आपको लेफ्ट देन राइट लेफ्ट राइट, तो क्या है 5 6 7 को, टंग रंग टंग रंग रंग, ओके। सो क्या है आपका, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ओके।
सो राइट लेफ्ट राइट, अपर बॉडी का भी ध्यान दो, लेफ्ट साइड मूव किया देन राइट साइड मूव किया देन लेफ्ट राइट लेफ्ट, मूवमेंट बता रहा हूँ मैं, कभी आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ नहीं, ओके। सो 5 6 7 गो, टंग 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 टंग। तो यहाँ पे एंडिंग था, आप कैसे भी आप पकड़ सकते हो, ओके। तो ये हमारा सेकेंड हाफ था, मेक श्योर आपको समझ में आया होगा, ओके। सो फिर से हम स्लो टेम्पो पे सेकेंड हाफ करेंगे, फिर हम एक्चुअल टेम्पो पे करेंगे, समझे। तो 5 6 5 6 7 गो, 1 5 6 7 गो, 1 2 3 and 4, 5 6 7 and 8, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 3 and 4, 5 6, chick chick chick, then chick chick chick, 1 2 3 and 4, 5 6 7 and 8, फिर उसके बाद 1 2 3 and 4, ओके, 5 6 7 and 8, टंग नंग टंग नंग नंग, समझे। स्लो टेम्पो चम समझे, मेक श्योर आपको समझ में आ गया होगा, फिर हम एक्चुअल टेम्पो पे करते हैं, ओके। सो आपका ये हमारा एक्चुअल टेम्पो रहेगा। सो 5 6 5 6 7 गो, टंग नंग नंग टंग नंग नंग, 5 6 7 गो, 1 2 3 and 4, 5 6 7 and 8, 1 and 2 and 3 and 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8, chak chak chik chik chik, jachda hai gore mukhde pe man chashma, jachda hai jachda pe mukhde pe jachda khde pe, tang rang tang rang nang। तो गाइज ये था हमारा सेकेंड हाफ, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, मेरे को तो बहुत मजा आया। सो आप लोग म्यूजिक पे ट्राई कर सकते हो, म्यूजिक को प्ले करके आप फर्स्ट हाफ देन सेकेंड हाफ दोनों एक साथ ट्राई कर सकते हो, ओके। बट ध्यान रखना है कि आपको पहले स्लो समझो, फिर आप म्यूजिक पे एक्चुअल टेम्पो पे ट्राई करो। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप लोग कवर्स बनाए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें और आइडल्स को टैग करें और मुझे टैग करें, और ऐसे ही आइडल्स से सीखते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।